हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ पाकिस्तानी कुर्ती की ड्राफ्टिंग प्लस उसकी थ्योरी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग इसकी थ्योरी पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग डायग्राम को समझेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए। जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी सब कुछ आपको सही से समझ में आएगा, क्योंकि ये जो नॉर्मल कुर्ती होती है, पाकिस्तानी कुर्ती जो होती है, वो नॉर्मल कुर्ती से थोड़ा अलग होती है। तो इसमें क्या चेंजेस होते हैं, क्या कैसे करना है, जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको सब कुछ सही से इजीली समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमने हेडिंग डाल दिया है पाकिस्तानी कुर्ती की ड्राफ्टिंग प्लस थ्योरी। तो सबसे पहले चलिए हम लोग थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम डायग्राम को समझेंगे। फ्रेंड्स, हमने हेडिंग डाल दिया है पाकिस्तानी कुर्ती की ड्राफ्टिंग। फ्रेंड्स, हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों को कवर किया हुआ है। किसी को इंग्लिश सही से समझ में आती है, किसी को हिंदी समझ में आती है, तो हमने दोनों कवर करने की कोशिश की है। जो हमारा पॉइंट है नेक्स्ट, जो वो है रिक्वायरिंग मेजरमेंट, यानी कि ज़रूरी नाप। तो सबसे पहले हमें लेंथ की नाप लेना होता है। तो जो भी हमारी लंबाई होगी, यानी कि फुल लेंथ, जो भी हमारी फुल लेंथ होगी, हमें उसमें 1.5 इंच प्लस करके लेना है। जैसे हमारी लंबाई है 40 इंच, यानी कि 40 इंच, तो हमने 1.5 इंच प्लस किया तो कितना हो गया 41.5 इंच, यानी कि 41.5 इंच। नेक्स्ट है हमारा शोल्डर, यानी कि कंधी, इसको कोई कोई कंधी बोलता है, कहीं पे तीरा बोला जाता है। तो ये जो है हमारा, जितना भी हमारा शोल्डर होगा हमें उसका आधा लेना है। जैसे हमारा 15 है तो 15 का आधा कितना होगा 7.5 इंच। जैसे ये हमारा 12 होता तो यहाँ हमारा कितना होता 6 इंच, क्योंकि उसका हमेशा आधा करना होता है। तो जितनी भी आपकी कंधी हो उसका आप आधा कर लीजिए। आर्म होल, यानी कि मुड्ढा, मुड्ढे में क्या होता है फ्रेंड्स, शोल्डर के बराबर भी आप ले सकते हैं, या हैवी साइज में जो होता है फ्रेंड्स, आप शोल्डर में 1/2 इंच ज़्यादा ले सकते हैं। जैसे ये हमारा 7.5 इंच है, तो इसमें हमने क्या करना है, अगर आपका हैवी साइज है तो आप इसको 8 इंच कर देंगे। या फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप लगाना चाहते हैं, तो आर्म होल का जो फार्मूला होता है वो होता है चेस्ट डिवाइडेड बाय 5। तो चेस्ट डिवाइडेड बाय 5 करके आपको निकाल लेना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो चेस्ट यानी कि सीना, इसका जो फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, वो होता है चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1/2 इंच की लूजिंग हमने ऐड करनी है। तो फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चेस्ट यानी कि सीना। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है फ्रेंड्स चेस्ट डिवाइडेड बाय 4। जितना भी आपका चेस्ट साइज हो उसको आप 4 से भाग दे दीजिए, उसमें 1/2 इंच प्लस कर दीजिए लूजिंग। एक चीज़ का फ्रेंड्स हमने ध्यान रखना है, हमें लूजिंग ऐड करने के बाद भी जो 1.5 से 2 इंच हमें सिलाई मार्जिन ऐड करना है। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप 2 इंच प्लस करके चलिए। अगर आपको सिलाई आती है, आप कपड़ा यूज़ करते हैं, तो आप 1.5 इंच भी ले सकते हैं। जैसे हमारा चेस्ट साइज है 36 इंच, तो 36 का कितना होगा 9 इंच। 9 इंच में हमने 1/2 इंच प्लस कर दिया तो कितना हो गया 9.5 इंच, यानी कि 9.5 इंच। और 9.5 में हमने 2 इंच प्लस कर दिया तो कितना हो गया 11.5 इंच। तो चेस्ट जो है हमारा 11.5 इंच हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है वेस्ट यानी कि कमर। तो कमर का जो फॉर्मूला होता है सेम होता है, चेस्ट वेस्ट और हिप तीनों का फॉर्मूला सेम होता है। वेस्ट यानी कि कमर डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1/2 इंच प्लस 2 सिलाई मार्जिन। तो जैसे हमारी कमर यानी कि वेस्ट है 32 इंच, तो हमारा 32 को जब हम 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा 8 चौके 32, तो 8 इंच आ गया। 8 में हमने 1/2 इंच प्लस कर दिया तो 8.5 हो गया, हमने 2 इंच प्लस किया तो कितना हो गया 10.5 इंच। अब चलिए फ्रेंड्स हम लोग हिप देख लेते हैं। तो हिप जो है यानी कि सीध, तो ये हमारा है 42 इंच, तो 42 का हमने 4 पार्ट निकाला तो कितना आया 10.5 इंच। 10.5 में हमने जब प्लस किया 1/2 इंच तो वो गया हमारा कितना
10.5 में जब हम हाफ प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 11 इंच, 11 में हमने 2 इंच प्लस किया तो कितना हो जाएगा 13 इंच। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये हमारा जो होता है ये फॉर्मूला हो जाएगा। जो नॉर्मल कुर्ती होती है फ्रेंड्स उसमें जो हमारा नाप होता है एग्जैक्ट हम वही लेते हैं। ये जो हमने हाफ हाफ इंच प्लस किया हुआ है ये हमने उसमें प्लस नहीं करना होता, लेकिन पाकिस्तानी कुर्ती जो होती है थोड़ा ढीली होती है इस वजह से हमने इसमें हाफ इंच प्लस करके लेना होता है। फ्रेंड्स चलिए मेथड देख लेते हैं। मेथड यानी कि विधि, इसे बनाने के लिए 1.5 से 2.5 मीटर तक का कपड़ा लग सकता है। ये आपके साइज़ के अकॉर्डिंग ही आपके साइज़ पर डिपेंड करता है कि आपको कितना कपड़ा लगता है। अब कटिंग के लिए हम कपड़े को 4 फोल्ड में करेंगे और फार्मूले के अकॉर्डिंग शोल्डर लेंथ, आर्म होल, चेस्ट, वेस्ट, हिप और लेंथ का निशान लगाएंगे। फ्रेंड्स ये जो फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स हमने आपको ऊपर ये समझा दिया है, इसी के अकॉर्डिंग आपको सारे निशान लगाने हैं। अगर आपको इसका निकालना नहीं आता है तो हम आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ पर जाकर आप निकाल सकते हैं। तो अब चलिए फ्रेंड्स हम नेक का निशान लगाएंगे। तो नेक का निशान, नेक की चौड़ाई का निशान हमने क्या करना है, चेस्ट को 12 से भाग दे देना है और जब आप 12 से भाग देंगे तो आपकी चौड़ाई नेक की निकल के आ जाएगी। अब चेस्ट कमर हिप का फॉर्मूले के अनुसार मार्किंग करेंगे और इसमें हम 1.5 से 2 इंच सिलाई मार्जिन ले लेंगे और 1/2 इंच लूजिंग ऐड करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा फ्रेंड्स, जो कि हमने लिख भी दिया है। 1.5 इंच या 2 इंच जब आप सिलाई मार्जिन लेते हैं उसको छोड़ लेने के बाद भी आपको 1/2 इंच लूजिंग ऐड करनी है पाकिस्तानी कुर्ती में। फ्रेंड्स ये एक चीज़ का ध्यान रखिएगा बिल्कुल, क्योंकि ये जो पाकिस्तानी कुर्ती होती है हमने इसमें ये जो कुर्ती होती है लूज़ होती है, बिल्कुल टाइट नहीं होती है, फिटिंग में नहीं होती, थोड़ा लूज़ ही रहती है, इसलिए फ्रेंड्स आप लूजिंग लेना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी थ्योरी, चलिए अब हम लोग इसकी ड्राफ्टिंग देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे हमने ग्राफ बना करके तैयार कर लिया है जो कुछ इस तरह से है। तो चलिए अब हम आपको इसकी ड्राफ्टिंग समझा देते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हमने क्या करना है, कपड़े को लेंथ वाइज फोल्ड करना है 2 फोल्ड में, उसके बाद हमने कपड़े को विड्थ वाइज फोल्ड करना है। तो जब हम लेंथ वाइज फोल्ड करेंगे तो हमारा कपड़ा जो है वो 2 फोल्ड में हो जाएगा, जब हम उसको विड्थ वाइज फोल्ड करेंगे तो हमारा कपड़ा जो होगा वो 4 फोल्ड में हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा कपड़ा जो होगा वो 4 फोल्ड में होगा। ये हमारा फोल्डेड साइड है फ्रेंड्स, और ये हमारा फोल्डेड साइड है और ये हमारा ओपन साइड है, क्योंकि हमने कपड़े को इधर से इधर को पलटा हुआ है। तो ये हमारा बंद भाग हो जाएगा और ये हमारा खुला भाग हो जाएगा। तो इस तरह से हमने जब कपड़े को हमने बिछा लेना है उसके बाद हमें सबसे पहले लेंथ का निशान लगाना है। तो हमारी जितनी भी लेंथ होगी लेंथ में हमने उसमें 1.5 से 2 इंच प्लस करके चलना है। आप 1.5 इंच भी मैक्सिमम में आप ले सकते हैं, 1.5 से 2 इंच। तो इस तरह से हमने निशान लगा देना है, ये हमने लिख भी दिया है रेडी लेंथ प्लस 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। इस तरह से हमने लेंथ का सबसे पहले निशान लगाना है, उसके बाद हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो इंची टेप को इस तरह से रखते हुए जहाँ से हमारा कपड़ा ये जहाँ से फोल्ड रहेगा वहाँ पे हमने इस तरह से इंची टेप को रखना है और जितना भी हमारा शोल्डर आएगा उसको हमने निशान लगाना है। तो हमारा शोल्डर कितना था 15 इंच, तो 15 का आधा निकल करके आया कितना 7.5 इंच। तो 7.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे और एक इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद हमने आर्म होल लेंथ का निशान लगाना है। तो आर्म होल लेंथ में ऐसा भी होता है कि जितना ये है साइज पे डिपेंड करता है, नॉर्मल साइज है तो आप 7.5 अगर यहाँ से यहाँ लिए हैं तो यहाँ से यहाँ भी आप 7.5 इंच ले सकते हैं। और इसका एक फॉर्मूला और होता है, चेस्ट को आपको 5 से डिवाइड कर देना है। जैसे आपका चेस्ट साइज 36 इंच, तो 36 को आपको कितने से भाग दे देना है 5 से, 5 से भाग देने के बाद जितना आएगा वही आपका आर्म होल लेंथ हो जाएगी। और आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपका हैवी साइज है, काफ़ी हैवी साइज है, तो आप इसमें जैसे ये आपका शोल्डर जितना है उसमें आपको 1/2 इंच प्लस करके आर्म होल लेंथ ले लेनी है। आई होप फ्रेंड्स आपको सब क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से निकालना है। कहीं भी कुछ भी नहीं समझ में आए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, हम दोबारा से बताने की कोशिश करेंगे।
तो अब हमने क्या करना है, चेस्ट का निशान लगाना है फ्रेंड्स। तो इंची टेप को हमने यहाँ रखना है जहाँ पे हमारी आर्म होल लेंथ आई है। यहाँ पे इस तरह से इंची टेप को रखेंगे और यहाँ से यहाँ हमारा जितना भी चेस्ट साइज आया रहेगा, इसका फॉर्मूला हमने भी लिख दिया है फ्रेंड, चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 प्लस हाफ इंच प्लस 2 इंच। तो जैसे हमारा कितना आएगा, 9 इंच, 9 9 चौके 36, तो 9 इंच आया, हमने उसमें हाफ इंच प्लस किया तो कितना हो गया, 9.5 इंच। तो इस तरह से इंची टेप को यहाँ से यहाँ रखना है और 9.5 इंच में यहाँ पे निशान लगा देना है। उसके बाद यहाँ से यहाँ पर 2 इंच हमने सिलाई मार्जिन ले लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स हमने क्या करना है, एक बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहती है फ्रेंड्स कि हम वेस्ट का कितनी दूरी पे हम निशान लगाएं वेस्ट का, और कोई कोई कहते हैं कि हमारी कब वेस्ट जो है ऊपर हो जाती है नीचे। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस इंची टेप को इस तरह से रखना है और यहाँ से यहाँ जहाँ पर आपका 13.5 इंच, 14.5 इंच या 15.5 इंच भी आप रख सकते हैं साइज के अकॉर्डिंग। अगर आपका नॉर्मल है तो आप 13.5 रख सकते हैं, अगर मीडियम है तो आप 14.5 इंच रखिए, अगर आपका हैवी साइज है तो आप जो है 15.5 इंच पे निशान लगा लीजिए। उसके बाद और एक आप ये भी कर सकते हैं कि जहाँ पर आपका चेस्ट है वहीं से 7.5 इंच पे निशान लगा करके भी आप कमर का नाप लगा सकते हैं। अब हमने इस तरह से इंची टेप को रखना है और हमारी कमर है 32 इंच, तो 32 को हमने 4 से भाग दिया तो 8 चौक 32, उनमें हमने प्लस किया हाफ इंच तो हमारा कितना हो जाएगा, 8.5 इंच। तो इंची टेप को हमने यहाँ से रखना है इस तरह से और 8.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा देना है और हमने 2 इंच सिलाई मार्जिन ले लेना है। अब हमें हिप का निशान लगाना है फ्रेंड्स, तो हिप के लिए हमने क्या करना है, इंची टेप को वापस से इस तरह से रखना है और 19.5 इंच, 20.5 इंच और 21.5 इंच जैसे आपकी साइज हो, नॉर्मल है तो 19.5, अगर मीडियम है तो 20.5 इंच, अगर आपकी हैवी साइज है तो 21.5 इंच पे निशान लगा दीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स इस तरह से जहाँ 21.5 या जो भी आपका साइज है वो आए अपने साइज के अकॉर्डिंग, इंची टेप को इस तरह से रखिएगा। उसके बाद क्या करना है, जैसे आपका हिप साइज है 42 इंच तो हमने इसको भाग दे दिया 4 से तो हमारा कितना आया, 10.5 इंच, तो हमने प्लस किया हाफ इंच तो हमारा कितना हो जाएगा, 11 इंच। तो इस तरह से हमने 11 इंच पे निशान लगा देने हैं और 2 इंच हमने सिलाई मार्जिन ले लेना है। तो जितनी हमारी लंबाई है हमने वहाँ पर इस तरह से निशान लगाने हैं और ये हमने जितना यहाँ पर निशान लिया है और इसको इस तरह से फोल्डिंग के लिए ले लेना है। अब हमने क्या करना है फ्रेंड्स, फिटिंग को हमने इस तरह से, फिटिंग वाले निशान को हमने फिटिंग से मिला देने हैं और मार्जिन वाले निशान को हमने मार्जिन से मिला देना है। तो ये जो होगा फ्रेंड्स हमारा मार्जिन वाला एरिया हो जाएगा। अब हमने क्या करना है फ्रेंड्स, हमारा ये जो नेक है, नेक की जो आपको नेक विड्थ कितना रखना है ये आपके साइज के ऊपर डिपेंड करता है फ्रेंड्स। आपका जितना भी चेस्ट साइज हो आप उसको 12 से भाग दे दीजिए, जितना आएगा वही आपकी नेक की विड्थ हो जाएगी। और ये जो आपका गले की लंबाई यानी कि नेक की जो लेंथ होगी वो आपको पाकिस्तानी कुर्ती में फ्रेंड्स, अगर आप बैक साइड की बात करें तो बैक साइड में हमने 1.5, 2 और 2.5 इंच से बिल्कुल भी हमें बड़ा नहीं लेना है, आप मैक्सिमम 2 इंच ज़्यादा ही वो रहता है, आप 2 से 1.5 से 2 इंच ले सकते हैं। और फ्रंट साइड की बात करें तो फ्रंट में आप 4 इंच ले सकते हैं, 4.5 भी ले सकते हैं, लेकिन 4 इंच परफेक्ट रहेगा क्योंकि इसमें जो होता है फ्रंट ज़्यादा बड़ा गला नहीं लेते हैं और ये जो होता है फ्रंट इसमें छोटा ही गला लेते हैं। और अब हमने क्या करना है, इंची टेप को जहाँ से हमारी नेक की विड्थ आई है वहाँ रखना है और यहाँ से यहाँ 1 इंच पे हमने शोल्डर डाउन कर देना है और इसको हमने इस तरह से मिला देना है। अब हमने क्या करना है फ्रेंड्स, ये हमारा आर्म होल हो गया, तो बैक आर्म होल हमने इंची टेप को इस तरह से रखना है और इस तरह से रखने के बाद 1.5 इंच पे निशान लगा करके बैक आर्म होल का हमें शोल्डर स्लोप दे देना है, यानी कि ये हमारा जो है फ्रेंड्स 1.5 इंच पे इसकी गोलाई देनी है आर्म होल की और इस तरह से इंची टेप को रख करके 1 इंच पे हमने आर्म होल, फ्रंट आर्म होल की गोलाई दे देनी है।
फिर से एक बार हम आपको बता देते हैं फ्रेंड्स, बैक आर्म होल की गोलाई 1.5 इंच पे देना है और फ्रंट आर्म होल की गोलाई हमने 1 इंच पे देना है। फ्रेंड्स, जो ये जो पाकिस्तानी कुर्ती होती है, आप ये ज़रूर नोट कर लीजिएगा, पाकिस्तानी कुर्ती बनाने के लिए हमें टाइट नाप बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि ये कुर्ती ढीली होती है। और फ्रेंड्स, इसमें एक ज़्यादा बड़ा गला आपको नहीं लेना है, क्योंकि ये कुर्ती जो होती है फ्रेंड ढीली होती है। और ये पाकिस्तानी कुर्ती का जो फॉर्मूला होता है, हमने फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे हमने लिख दिया है, इसका जो फॉर्मूला होता है फ्रेंड वो होता है चेस्ट वेस्ट हिप, यानी कि चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 + 1/2 इंच + 2 इंच से 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। आप चेस्ट वेस्ट और हिप तीनों में ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, एक चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिएगा, जब भी आप कपड़े की कटिंग करें तो कपड़े की कटिंग हमेशा आपको कुर्ती की फोल्डेड साइड से ही करनी है। तो ये हमारी लेंथ हो गई फ्रेंड्स, ये हमारा बैक नेक हो गया, ये हमारा फ्रंट नेक हो गया, ये हमारा शोल्डर है, ये हमने 1 इंच पे शोल्डर डाउन किया है, 1.5 इंच पे हमने बैक आर्म होल का राउंड दिया है और 1 इंच पे हमने फ्रंट आर्म होल का राउंड दिया है। ये हमारा चेस्ट है, ये हमारी वेस्ट हो गई और ये हमारा हिप हो गया। कपड़ा जो होगा वो हमारा 4 फोल्ड में होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको सब कुछ क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको कहीं भी कुछ भी नहीं समझ में आया हो, या आपको लग रहा हो कि इस पॉइंट को हमने सही से नहीं समझाया है, तो प्लीज़ आपको इसके लिए मुझे कमेंट करना होगा। हम इसके लिए आपको दूसरी वीडियो बनाकर दूसरे फिर से कोशिश करेंगे कि आपको सब कुछ सही से समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पाकिस्तानी स्लीव्स यानी कि पाकिस्तानी आस्तीन की ड्राफ्टिंग या थ्योरी चाहिए हो, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, हम ज़रूर उस पर वीडियो बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी। वीडियो समझ आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।